नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। प्रत्याशी रुचि वीरा ने जीत दर्ज कर ली। उन्होंने भाजपा के सर्वेश सिंह को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया है। भाजपा के सर्वेश सिंह दूसरे और बसपा के इरफान सैफी तीसरे नंबर पर हैं। रुचि वीरा को 6,37,363 वोट मिले हैं। उन्होंने सर्वेश सिंह को 1,05,762 वोटों से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि भाजपा कैंडिडेट सर्वेश सिंह का वोटिंग के अगले दिन ही बीमारी के चलते निधन हो गया था। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने जीत दर्ज करने के बाद सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद आजम खां का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाया। मैं उनकी सरपरस्ती में सालों से राजनीति करती हूँ। ऊपर वाला उनकी मुसीबतों को कम करे और उनको अच्छी सेहत दे। वैसे देखिए, मैं तो काउंटिंग से बाहर निकली हूँ, मुझे पूरी फिगर मालूम नहीं है देश की या प्रदेश की, लेकिन जो भी मैंने सुनी है तो मैं अपने हटा लूं से, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो भी सेकुलरिज्म की जीत हुई है और जो लोग हमें बांटने का काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी शिकस्त। आपके जो वोट मिला है, बड़ी विक्ट्री है, क्या लगता है आपको? जैसा कि आपने चुनाव प्रचार में कहा था कि सारी जातियों के वोट मिलना है और ऐसा लग भी रहा है, क्या देंगे आप? देखिए, मैं तो पहले ही कहा था कि मुझे सभी जातियों के लोगों का आशीर्वाद और दुआएं मिल रही हैं और सभी लोगों का मुझे वोट मिला है, तो मैं सभी लोगों का, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का, हिंदू मुस्लिम भाइयों का, जो भी हमारे मतलब माए बहने हैं उन सभी का, बुजुर्गों का, सभी का ही मैं। एक सवाल मुरादाबाद की आवाम ने पूछा है, थोड़ा नीचे कर लो भाई, प्रेम नीचे कर लो यार, मनोज जी नहीं, अब आप जीत गई हैं तो क्या आप यहाँ मौजूद रहेंगे? बिल्कुल रहूंगी मेरे इलाके के लोगों को, मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को जैसे पहले निराशा मिलती रही है, इस तरह निराशा नहीं मिलेगी। उन्हें कभी नाउम्मीदी नहीं होगी, कभी उन्हें ये नहीं होगा कि हमने एक महिला पे भरोसा किया। जितने भी अभी तक सांसद रहे होंगे उनसे ज्यादा उनके बीच में रहने का काम करूंगी और उनकी लड़ाई